नमस्कार दोस्तों, जब भी हमें डायबिटीज़ या कोई भी ऐसी बीमारी है, मोटापा है, कुछ भी है, तो हम सारा ब्लेम शुगर और शुगर से रिलेटेड चीज़ों पर डाल देते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आप इसे अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं उन सभी चीज़ों का जिक्र करने वाली हूँ जो हमारे शुगर लेवल्स को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी सेहत को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जनरली यदि हम बात करें तो जो हमारा स्टेपल फूड है वो है गेहूँ। नॉर्थ में ज़्यादातर लोग गेहूँ खाते हैं एंड साउथ इंडियंस जो होते हैं या जो वेस्ट में हैं, जैसे बंगाल में हैं या आसाम में हैं, वो ज़्यादातर राइस खाते हैं। पहले हम गेहूँ का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइसीमिक लोड और ग्लाइसीमिक इंडेक्स की। यदि हम ग्लाइसीमिक लोड की बात करें तो वो हमें बताता है कि उस फूड के खाने के बाद हमारा ग्लूकोस लेवल ब्लड में कितना बढ़ेगा, और ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये बताता है कि वो ग्लूकोस लेवल ब्लड में कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। तो जो वीट का ग्लाइसीमिक लोड होता है वो होता है 52, और इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो होता है 70। अगर हम 100 ग्राम गेहूं लेते हैं या गेहूं का आटा लेते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटी बनती है, और इस 4 रोटी से हमें जो ब्लड में शुगर मिलता है वो है 52 ग्राम्स। अगर हम इसी हिसाब से अनुमान लगाएं तो हम पूरे दिन में यदि 3 बार रोटी खा रहे हैं, 2-2 रोटी खा रहे हैं, तो हमारे पूरे दिन में हमें ब्लड में 78 ग्राम्स जो है वो ग्लूकोस बन जाता है। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा भी होगा कि केवल एक चम्मच जो ग्लूकोस है वो हमारी ब्लड में 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर की रीडिंग देता है। तो आप ये मान के चलिए यदि आप 6 रोटियां खा रहे हैं तो शुगर लेवल कहाँ तक पहुँच जाएगा। ये तो बात हुई गेहूँ के ग्लाइसीमिक लोड और ग्लाइसीमिक इंडेक्स की। अब हम इसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस यदि करें तो गेहूँ में करीब 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बाकी 12% प्रोटीन होते हैं और 10% फाइबर होता है। पर मैं ये खुलासा करना चाहूँगी कि गेहूं में एक प्रोटीन होती है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। ये हमारे बॉडी में जा कर के इन्फ्लेमेशन पैदा करती है क्योंकि ये बहुत एसिडिक होती है। हम सब ये जानते हैं कि डायबिटीज़ का जो प्राइमरी रूट कॉज है वो है बॉडी में सूजन होना या इन्फ्लेमेशन होना, और एसिडिक चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती हैं। और गेहूं में जो ये ग्लूटेन है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को इनडायरेक्टली बढ़ाता है और पैनक्रियाज के काम को और मुश्किल कर देता है। ना केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूटेन को पचाने की शक्ति हमारी बॉडी में बहुत ही कम है, ये हमारे पाचन शक्ति को भी कम करता है। अब आप ये सोचेंगे कि चलिए रोटी नहीं तो राइस खा सकते हैं, तो राइस के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो अगेन एथलीट्स, वी होप यू एंजॉय द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यू लाइक टू नो मोर अबाउट आवर डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, बुक योर फर्स्ट अपॉइंटमेंट विद ब्रीथ वेलबीइंग टुडे। टिल देन स्टे हेल्दी and I'll see you with another exciting recipe next time. Stay tuned. Friends, if you like our recipes, please share as many as you can and like them and share them and subscribe to our Breathe Wellbeing channel.